हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहां पर हम इस टॉपिक को यहां इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी समझ में आ जाए और टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम कई नामों से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस बेसिकली होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का जाना, और यहां पर ये इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म से होता है, इसलिए इसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और इसे अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उससे ये इनहेरिटेंस होती है, उससे ये कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ केसेस में सिर्फ एक पेरेंट से ही कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इसे नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का रोल नहीं रहता है। ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स का रोल रहता है, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। और इसके अलावा इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन से साइटोप्लाज्म से गवर्न्ड होता है, इसलिए यहां पर इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बेसिकली वो इनहेरिटेंस है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइटोप्लाज्म के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम इतने नामों से जानते हैं और इतने नामों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द साइटोजीन्स और द जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मौजूद जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यहां पर ट्रांसमिट होते हैं, और इसी टाइप के इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का रोल रहता है, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो साइटोप्लाज्म है वो पेरेंट से, एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो यहां पर साइटोप्लाज्म में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स, तो वो जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स है वो कहां पर है? वो बेसिकली मौजूद होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो जीन्स हैं वही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, जिससे ये अपनी फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी प्रोटीन्स का निर्माण कर सकते हैं, नेसेसरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। बट इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, इन्हें न्यूक्लियस के प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। न्यूक्लियस के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन्स पर भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग डिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ इंडोसिम्बायोटिक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कप्पा पार्टिकल्स और सिग्मा पार्टिकल्स। इंडोसिम्बायोटिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सेल का नॉर्मल पार्ट नहीं है, बट वो एवोल्यूशन के दौरान सेल में आकर लगे और अब प्रेजेंट सिचुएशन में वो एक सेल का पार्ट बन चुके हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम इंडोसिम्बायोटिक स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं, और यहां पर कप्पा पार्टिकल्स और सिग्मा पार्टिकल्स इसका एक एग्जांपल है। हालांकि जब आप इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में देखते हो तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी जिक्र होता है कि ये भी इंडोसिम्बायोटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एवोल्यूशन के दौरान सेल में
आकर रहने लगे। सो यहाँ पर बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर्स है जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। यानी कि होता क्या है, जो पेरेंट है बेसिकली जो मदर है, मदर से साइटोप्लाज्म प्रोजेनी में जाता है और इस साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो यहाँ पर जिन चीजों को हम साइटोप्लाज्मिक जीन या साइटोजीन रिफर कर रहे हैं वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के जीन है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि कप्पा पार्टिकल्स और सिग्मा पार्टिकल्स इसमें रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं, ये जीन्स न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होते हैं। ये जीन्स मौजूद कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में आपको ये जीन्स मिलेंगे और इन जीन्स को हम कहते हैं प्लाज्मा जीन्स, साइटोप्लाज्मिक जीन्स, साइटोजीन्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स या फिर इन्हें हम प्लाज्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मोन बेसिकली क्या है, प्लाज्मोन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसमें जितने भी जीन्स मौजूद हैं उन्हें कलेक्टिवली हम प्लाज्मोन के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम शॉर्ट में होल साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक सिस्टम भी रिफर कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म में मौजूद सारे जीन्स को हम प्लाज्मोन कह रहे हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियस और उसके जीन की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म और उसमें मौजूद जीन्स के कलेक्टिव ग्रुप को हम यहाँ पर प्लाज्मोन कह रहे हैं। और साइटोप्लाज्म में भी वो जीन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, दीज साइटोजीन्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और इन सम पार्टिकल्स लाइक द कप्पा पार्टिकल्स और द सिग्मा पार्टिकल्स। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो हमारा पेरेंट है, बेसिकली यहाँ पर मदर है, मदर से साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोजेनी में जाता है और इसी इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर और पता होने चाहिए। प्लाज्मोन तो हम डिस्कस कर चुके, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टोम और कॉन्ड्रियोम क्या है। तो प्लास्टोम बेसिकली क्या है, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड में जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जीन्स हैं उन्हें हम प्लास्टोम टर्म देते हैं। सो द होल ऑफ द हेरिडिटी फैक्टर्स और जीन्स, इसको आप द होल ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन प्लास्टिड इज नोन एज प्लास्टोम, ऐसे भी कर सकते हो, द होल ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन द प्लास्टिड्स इज नोन एज प्लास्टोम और द सम टोटल ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन द प्लास्टिड्स इज द प्लास्टोम। प्लास्टिड्स में जो जीन्स मौजूद होते हैं उन्हें हम प्लास्टोम के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से द होल ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज कॉन्ड्रियोम। जितने भी जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। तो ये तीन टर्म आपको पता होने चाहिए, जिसको अभी हमने देखा, प्लाज्मोन, प्लास्टोम और कॉन्ड्रियोम। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये जनरली यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होती है, बट ये बाईपेरेंटल भी हो सकती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस यहाँ पर यूनिपेरेंटल भी हो सकती है और बाईपेरेंटल भी हो सकती है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ एक पेरेंट से ही प्रोजेनी में जा सकते हैं या फिर दोनों पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो सकता है। बट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में जो ज़्यादा देखा जाता है वो है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। और यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस में भी ये दो टाइप का हो सकता है, एक है पैटर्नल इनहेरिटेंस और दूसरा है मैटर्नल इनहेरिटेंस। पैटर्नल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है जब फादर अपना साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है प्रोजेनी में तो उसे हम पैटर्नल इनहेरिटेंस कहते हैं, या जबकि मैटर्नल इनहेरिटेंस के केस में जो मदर है उससे साइटोप्लाज्म प्रोजेनी में जाता है और इसे हम मैटर्नल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में जो मैटर्नल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा देखने को मिलता है और ये आपको हायर प्लांट्स और मल्टी सेलुलर एनिमल्स के केस में देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो मदर का साइटोप्लाज्म है उससे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और पूरा साइटोप्लाज्म वो प्रोजेनी में जाता है, जबकि फादर का यहाँ पर साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट नहीं होता है मैटर्नल इनहेरिटेंस के केस में।
जो सबसे पहला साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल दिया था वो कार्ल कोरेंस ने दिया था 1908 में इन द लीफ ऑफ 4 o'clock प्लांट मीराबिलिस जलापा। इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे क्योंकि आपने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में भी पढ़ा होगा। तो कार्ल कोरेंस ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था मीराबिलिस जलापा के केस में। और इसके अलावा आपको ई बोर का भी नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जिन्होंने पेलार्गोनियम के प्लांट में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को रिपोर्ट किया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का इनहेरिटेंस होता है, जिसके आप एग्जांपल्स भी देखोगे, वो सब मैटरनल इनहेरिटेंस के ही एग्जांपल्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं वो भी मैटरनल इनहेरिटेंस के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर पास्ड ओनली फ्रॉम द मदर साइड। ये बात हम आपको बता भी चुके हैं कि यहां पर मदर साइड से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोजेनी में जाएंगे। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस होती है उनके केस में आपको यहां पर अनइक्वल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऑल और नन फिनोमिना देखने को मिलेगा F1 जनरेशन में। सबसे पहली बात, यह रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब यह होता है, सबसे पहले आपने एक क्रॉस लिया है और आपने मेल से कोई कैरेक्टरिस्टिक लिया और फीमेल से कोई कैरेक्टरिस्टिक लिया। जब आप दूसरा क्रॉस करोगे तब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को या जो जेंडर है उसको रिवर्स कर दोगे। आप फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीमेल के लिए असाइन करोगे और मेल के लिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक असाइन करोगे, जस्ट रिवर्स कर दोगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। और यहां पर जब भी आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस करते हो तो आपको अनइक्वल रिजल्ट यहां पर हमेशा देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपको ऑल और नन फिनोमिना देखने को मिलेगा, यानी कि सारे के सारे या तो डिसीज्ड होंगे या फिर कोई भी डिसीज्ड नहीं होगा, या तो सब में वो कैरेक्टर दिखाई देगा या फिर किसी में भी वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मैटरनल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो फीमेल है वो डिसीज्ड है और यही फीमेल अपना साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी वजह से F1 प्रोजेनी में जितने भी प्रोजेनी होगी या जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब डिसीज्ड कंडीशन में होंगे। अब जब आप रेसिप्रोकल क्रॉस करोगे, आप फीमेल लोगे नॉर्मल और मेल लोगे डिसीज्ड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल है उसका साइटोप्लाज्म ही प्रोजेनी में जाता है, तो फीमेल नॉर्मल है इसलिए सारी प्रोजेनी भी नॉर्मल होगी। तो इसलिए आपको यहां पर जब भी आप रेसिप्रोकल क्रॉस करोगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में, तब आपको अनइक्वल रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से रेसिप्रोकल क्रॉस के केस में आपको अनइक्वल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसे हम ऑल और नन फिनोमेना के नाम से भी जानते हैं, यानी कि या तो सारे ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर दिखाई देगा या फिर किसी भी ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या नहीं उसे चेक किया जा सके। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है फीनोटाइप ऑफ मदर एंड प्रोजेनी विल बी सेम। जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं, क्योंकि यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ मदर साइड से जा रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, तो यहां पर जो फीनोटाइप है प्रोजेनी का वो मदर की तरह ही होगा। जैसा कि आप यहाँ क्रॉस में भी देख रहे हो कि अगर मदर में डिसीज है तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में भी डिसीज है, अगर मदर नॉर्मल है तो ऑफस्प्रिंग भी नॉर्मल है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको मैटरनल इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देते हैं। हालांकि इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट शॉर्ट में यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वेन द जीन्स फॉर अ ट्रेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मैटरनल साइटोप्लाज्म, यानी कि जब किसी भी कैरेक्टर के जीन्स मदर साइटोप्लाज्म से प्रोजेनी में जाते हैं तो उस टाइप की इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल हैं, बट एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोट करते हैं, वो है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मीराबिलिस जलापा।
जबकि मैटरनल इफेक्ट के केस में क्या होता है, व्हेन द न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ द मदर डिटरमाइंस द फीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। यहाँ पर मदर का जो भी जीनोटाइप है, जीनोटाइप का मतलब जो जीन्स हैं, मदर के जीन्स यहाँ पर ये गवर्न करेंगे कि प्रोजेनी किस टाइप की दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शेल कॉइलिंग इन स्नेल, जिसे हम लिम्निया पेरेग्रा के नाम से भी जानते हैं। और इस टॉपिक को तो हम बिल्कुल डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फाइनली यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल्स हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, जैसे कि प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मीराबिलिस जलापा, आयोजैप स्ट्रेन्स इन मेज, पेटाइट कॉलोनीज इन ईस्ट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट, कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, और मैटरनल इफेक्ट के केस में हम शेल कॉइलिंग इन स्नेल लिम्निया पेरेग्रा। इन सारे एग्जाम्पल्स को हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर हम सारे एग्जाम्पल्स को अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।